नमस्कार, ग्लिफ डॉट इन में आपका स्वागत है। आइए हम रूबरू होते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों से। पत्थलगड़ी को लेकर के एसआईबी ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। एसआईबी की जो रिपोर्ट जो सामने आई है उसके हिसाब से झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ को टारगेट किया गया था पत्थलगड़ी आंदोलन के लिए। इसके बाद उनकी कोशिश थी कि छत्तीसगढ़ के जसपुर के साथ साथ बस्तर एवं अन्य जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ भी पत्थलगड़ी आंदोलन चलाया जाए। एसआईबी की जो रिपोर्ट में एक बात और की गई है कि जब जब आंदोलन जबकि जब रूपरेखा तैयार की जा रही थी, जब आंदोलन बड़ा रूप ले रहा था, तो सरकार ने जब सख्त कार्रवाई की, भाजपा संगठन को आगे किया और आदिवासियों की जो समस्या थी संवाद और विकास को लेकर के, जब उन्होंने इसकी तमाम चीज़ों से आदिवासियों को जब अवगत कराया, पत्थलगड़ी मामले को लेकर के जो नेतृत्व कर रहे थे उनकी जब गिरफ्तारी हुई, तब यह जो पत्थलगड़ी आंदोलन है यह काफ़ी हद तक शांत हुआ। हम आपको बता दें कि पत्थलगड़ी को लेकर के पिछले कुछ माह पहले प्रदेश में काफ़ी सियासत भी गरमाई हुई थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने कड़ा रवैया अपनाया। इसको देखते हुए काफ़ी हद तक अभी पत्थलगड़ी का मामला शांत हो गया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर अभी भी पत्थलगड़ी का जो मामला है वह सुलग रहा है। बताया जा रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर के आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और वो इस मुद्दे को लेकर के रमन सिंह से भी बात करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई कि पत्थलगड़ी आंदोलन जैसा उग्र कदम आदिवासियों को उठाना पड़ा। दूसरी बड़ी खबर पेंड्रा से आ रही है। यहाँ पे दो साधुओं के साथ जांजगीर चांपा के क्षेत्र में सोन नदी के पास दो साधुओं का दुष्कर्म करने की बड़ी घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये घटना जो है वो मार्च की है और घटना के बाद दोनों साधुओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से इसकी शिकायत की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निर्देश के बाद थाने में इसकी शिकायत के आधार पर, साधुओं की शिकायत के बाद जुर्म दर्ज किया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुल 4 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की गई है, वहीं 8 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। 4 लोग अन्य जो कौन है इसको लेकर के भी खुलासा नहीं हुआ है। जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से 2 मार्च के दिन दोनों साध्वी जो हैं साउथ बिहार से चांपा स्टेशन पर उतरी और यहाँ पर उनका पूर्व परिचित जो है दिलचंद पटेल, उनसे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि उनके जो परिचित हैं उनका जन्मदिन है और इस सिलसिले में वो कोरबा बरपाली जाने की जिद करने लगे। साध्वी जो है वो अपने परिचित दिलचंद के साथ वो साथ में कार में जाने लगे। इसी बीच वो कोरबा बरपाली के पास सोन नदी है, सोन नदी के पास 4 अज्ञात लोग वहाँ पे मिले और उन्होंने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। एक अगली खबर, बड़ी खबर यह आ रही है कि बस्तर संभाग के 2 कांग्रेस विधायक जो हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के ठीक पहले वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि इस खबर की भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो 2 कांग्रेस विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी का बस्तर में काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा है। इसको लेकर के भाजपा का जो पूरा फोकस है, चुनावी फोकस है, वो बस्तर पर है। और ये भी जानकारी मिली है कि बस्तर में जो कांग्रेस विधायक भाजपा प्रवेश करना चाहते हैं उनकी काफ़ी अच्छी साख है। यदि वो भाजपा में आते हैं तो उसका जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र के ओरछा में आज पुलिस मुठभेड़ में एक पुलिस जवान जो है वो घायल हो गया है, उसको रायपुर रेफर किया गया है। इसकी जो पुष्टि है वो वहाँ के SP जितेंद्र शुक्ला ने की है। एक बड़ी खबर हम आपको ये बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को काला झंडा दिखाने वाले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो जेल में कैद हैं पिछले 4 दिनों से, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ रही है। इनमें करीब 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 15 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इसकी पुष्टि उचित शर्मा ने हमें बताया कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो हैं लोकतांत्रिक तरीके से डॉक्टर रमन सिंह का जो विरोध कर रहे थे, इस पर उनको गिरफ्तार किया गया है। अब बताया जा रहा है कि अगले 2-4 दिन तक के छुट्टी के कारण इनकी जमानत नहीं हो पाएगी, मतलब ये कह सकते हैं कि अगले 3 या 4 दिन तक वो केंद्रीय जेल में ही रहेंगे। प्रदेश अपडेट में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें glitz.in पर। For more information, log on to www.glitz.in.